वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. आज हमारी ऑफिशियल फर्स्ट मॉर्निंग एंड फर्स्ट डे इस घर में, क्योंकि कल रात को हम लोग आए थे जैसे सामान शिफ्ट हो रहा था. तो अभी चाय बनी है यहाँ पे और मैंने जो बर्तन थे वो बर्तन क्लीन करे इस वजह से, क्योंकि अभी यहाँ पे कोई भी हाउस हेल्प नहीं लगी है, क्योंकि मेरी बात नहीं हुई है. मुझे एक बार नेबर्स में जाके बात करनी पड़ेगी, उसके बाद जाके जो हाउस हेल्प है वो लगेगी. तो यहाँ पे मेरे घर में गर्म चाय बन गई है. रसोई में बिना लाइट के रोशनी आ रही है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ना जाली की बंद करके रखी हुई है, बाकी मैंने खिड़कियाँ जो है वो खोल के रखी. तो मेरी व्लॉग्स में लोग बहुत ज़्यादा सनलाइट मिस करते थे, तो वो आपको मिलेगी. तो ये जो फ्रिज है ना, ये फ्रिज वहाँ पे कराना है, मैं पावर प्लग लगाना. ये फ्रिज बहुत ही मिसमैच है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगी निकलने की. इस साइड में बहुत, यहाँ पे कहीं पर लग जाए ना पावर प्लग, तो ये बेस्ट जगह है. और चलो वो थोड़ा दिखाना, चलो कितना होगा. मैं थोड़ा दूध में मिला के उसे जो सर्वलेक है वो दे रही. तो अभी वाटर फिल्टर वालों को आना है और नेट वालों को आना है. नेट वालों को कि कब तक आएंगे, क्योंकि उनका आ रहा है कि कल के लिए शेड्यूल कर दिया. अरे मेरे पास कल का मैसेज आ रहा है. तो मेरे बच्चे अभी सेख रहे हैं, सॉरी दिन की धूप. इसी दिन के लिए, इसी दिन का इंतजार था और इसी दिन के लिए ये घर लिया. बहुत जरूरी थी, विटामिन डी की कमी हो गई थी जो बहुत जरूरी था. ये देखिए, इसको देखो, आँख नहीं खोल रही हो. ये पता ही नहीं धूप क्या होती है, नाथ लाल की हुई पड़ी इसकी. इसको थोड़ा सेट कर, ज़्यादा आँख पे लग रही है वो सूरज की. जियो आप तो खोल लो. जियो इन लोगों को खाना बनाओ. जिया ने खा लिया है, डुगू ने थोड़े से बिस्किट खाए. डुगू हाय कर दो. कोई मतलब नहीं इसे. ये सर पे चोट लगी इसके.
जियो कहाँ जा रही है? जियो कहाँ जा रही है? तो जियो बैठ गई है साइकिल पे। तो ना उस घर में कुछ यूज नहीं हो पाता था, आपने कभी इन लोगों को प्रैम में साइकिल पे बैठे नहीं देखा होगा, क्योंकि जगह नहीं हो पाती थी और उस पर कोई मतलब नहीं था। और यहाँ देख क्या है, तो जाओ तुम लोग घूमने, आप बैठे क्यों हो? नहीं आ गई है। ये जो पैर रखने का है उसके वो छोटी है। हाँ छोटी है उसके। नहीं 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 क्या ये ऐसे किया करो, देखो ये छोटा दिखता है। चलो ये भैया साइड दो, हमने कहा ये हटाओ। ओ पड़ गए, अब क्या करूं? फिर मुड़ो ना उसको, उस साइड साइड। हाँ मुड़ो, हाँ मुड़ो, अरे आगे करो ना और पीछे करो, इसको संभालो पूजा। हम दोनों चीज चलाते नहीं आ रही, लो बहु वो नहीं चलाता है। तो ऐसे नहीं है, ऐसे कुछ नहीं करना। हटो जल्दी बन गया खाना, जल्दी मजे मजे मजे। चलो बेटा तुम लोग खेलो, यहाँ पे मामा आते हैं, ठीक है? उसको घुमाते रहो भैया। ओहो कुछ नहीं, चलो खाना खत्म करो, अरे नहीं खा रहे। पता नहीं मैं कब नहा पाऊंगी, कब क्या कर पाऊंगी। तो राजा भी गए हैं घर और पानी खत्म हो गया था पूरा पीने का। हम लोग कल 8 लीटर पानी लेके आए थे रात में जिस टाइम आए थे, तो पोहा बन गया, फिर उसी से सब कुछ वॉश भी हो रहा है, पानी पीने में भी जा रहा है बच्चों का, खाना बन रहा है। तो पानी लेने गया क्योंकि फिल्टर फिक्स नहीं हुआ है, और जब तक फिल्टर फिक्स नहीं होगा तो पानी की रहेगी, पर रात में और भर के लाना पड़ेगा। तो अभी राजमा बन रहे थे, पर चावल चढ़ाने का इवन अभी ना जिससे डुबू की बॉटल में पानी बचा हुआ है, पूरा पानी खत्म हो गया है। तो इन लोगों का खाना बना दिया है मैंने, और एक कार्टून जो है वो अनपैक किया, धीरे धीरे कर रही हूँ यार, बच्चों को भी देखना, नहाने जाना है मुझे स्पेशल। इतना अजीब सा लग रहा है कि मैं एक हैबिट है कि मैं उठ के नहा लेती हूँ, पर आज ऐसा हुआ है कि मैं नहा नहीं पाई हूँ, और ना शिफ्टिंग में ज़्यादा ही आप बेटा सब पर रख दो, गंदा गंदा हो जाता है। तो मैं लहसुन छील रही थी, मैं सोच रही हूँ भरते के लिए बैंगन जो है ना वो रख लेती हूँ, तो अपने भरता वगैरह और ये राजमा हो जाएंगे, तो हम रोटी पराठे जो भी रहो खाने होंगे, और अभी राजमा चावल बनाएंगे। तो सब कुछ सोच के चलना पड़ता है, क्योंकि ना है अभी घर का स्पेशली वजह, सोफ़ा आना था सोफ़ा नहीं आया, इलेक्ट्रिशियन को आना था इलेक्ट्रिशियन नहीं आया, जियो फाइबर वाले को आना था जियो फाइबर वाला नहीं आया। बेटा ये है जो पेन रखा है ना फिट वाला, वो भी रख लाना,
पता है मैंने हिट डाली तो ऐसे मोटे मोटे कॉकरोच वैसे दिख नहीं रहे हैं। तो ले आओ मैं भी सिखा देती हूँ, जब सूखेगी रात तो सूख जाएगी। कवर उस वहीं पे नहीं लटके, थोड़ा ऐसे करके देखो वहीं होंगे लटके यार। वैसे यहाँ पे एक भी कॉकरोच नहीं दिख रहे थे जब हम लोग आए थे, मैंने क्लीन किया और जिंदगी दिख रहे थे। कल रात को जब राजा को मन हुआ ना पोहा खाने का, मैं आई तो मुझे ना यहाँ पे ना एक कॉकरोच घूमता हुआ दिखा, तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पे कॉकरोच है जो कि रात में निकलते हैं। और ओपन रसोई है और सब कुछ ओपन है तो ऑब्वियसली इट्स लाइक वेरी डेंजरस। और मेरी वहाँ की रसोई में से कॉकरोच नहीं थे और बीच में हो गए थे, तो वो पेन आता है ना तो वो पेन लेके आई। हाँ तो वो मैं पेन लेके आई थी, तो वो जो पेन है वो बहुत अच्छा इफेक्टिव रहता है, क्योंकि अभी हमारे पास अलमारी भी क्लोज नहीं है, ओपन अलमारी है यहाँ पे, तो सारे कपड़े खा जाएंगे। और तो मेरे को हर जगह पे सब कुछ ओपन करने से पहले हिट के जो पेन से मार्किंग है वो करनी पड़ेगी। तो चलिए ज़्यादा का वेट करते तो खाना बनना, मैं यहाँ बैंगन का भी कर देती हूँ और फिर धीरे धीरे अनपैक कर रहे हैं। हॉल में सिर्फ कर्टन लगाए हैं, वेट कर रही हूँ कि जब सोफे आएंगे उसके बाद ही और तब हम निकल। पानी नहीं था तो पैटीज लेके आए अभी, और वही बस खाना मैं कर ही रही हूँ। और मैंने प्याज और लहसुन करके रखी है, पर मिक्सी का वायर यहाँ से ना जो प्लग है वो नहीं चल रहा है, तो उसको कहीं मिक्सी फिक्स करनी पड़ेगी। शाम के बज रहे हैं 6:30 और हम लोग ने 1-1.5 घंटा खा के ना सो गए थे, मैं डुगू और जिया सो गए थे, राजा नहीं सोए थे। तो नहा के आ गई हूँ और ना बहुत लेट हो गया एक जगह, तो यार यानी क्या ही हुआ पड़े अभी, मैं कर रही हूँ क्लीनिंग ही करने आई हूँ। तो अभी हम लोग को ना तो हम लोग को घर जाना था पर घर जा नहीं पाए, और देखते हैं कि जाएंगे। एक्चुअली में ना लोगों ने अपने कपड़े गीले कर लिए हैं, वो सो गया था उसमें मैंने स्वेटर बना के रखा था, पूरा स्वेटर गीला हो गया। मैं 3 जोड़ी लेके आई थी और जिया के कपड़े हैं, लोगों के पूरे कपड़े नहीं हैं यहाँ पर, स्पेशली ठंड के वो सुखा के आई थी वहाँ पर, तो वो ले जाना था। देखिए शाम को भी जाते हैं, रात तक नहीं जाते, तो फिलहाल मैं बनाने वाली हूँ चाय। ठंड लग रही है, हाथ ठंडे हो गए बहुत ज़्यादा नहा नहा के। तो यहाँ पे ना बहुत प्रॉब्लम है पार्किंग, और उस पार्किंग के पीछे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं यहाँ पे। मैं आपको बताती हूँ अपने नाम से, तुम जाके देखो यार, अलग तो करो तो जाना है। बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया है, क्योंकि पार्किंग स्पेस की जो प्रॉब्लम है वो है यहाँ पे। अभी सामने वाले एक अंकल आए थे और हम लोग के बाजू में जो लोग रहते हैं उनसे ऊपर 4 साल से उनकी लड़ाई हो रही है, और बहुत गंदी गंदी गाली इनको हो रही थी, उन्होंने तो उनकी बाइक ने रोक दिया। तो हम लोग का जो पुरानी वाली कॉलोनी है बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो गालियाँ नहीं देते, उन्हें देखा भी नहीं कि मैं बाजू में खड़ी हूँ, उन्हें सड़न से एकदम से गाली निकाली, उनकी बीवी ने रोक दी उन्हें कि इन कुत्तों से तुम्हारी 4 साल से लड़ाई हो रही है ना। तो वो मेरे को मैंने वाला से बोला, ये लोग सुबह भी लड़ाई हुई थी उन लोगों की,
हमने कभी ऐसे उसमें रहे नहीं है जहाँ पे मोहल्ले वाले लड़ते हैं। वो लोग वही 4 साल से लड़ रहे हैं और गाली दे रहे थे वो। तो आप सोच सकते हो कि हम लोग अभी आए उनके सामने जो करना, मेरे सामने दिया तो मुझे बहुत ही ऑड फील हुआ कि उन्हें देखा नहीं कि लेडीज़ खड़ी है और क्या हो रहा है। हमने कुछ कर तो नहीं पाया क्योंकि शिफ्ट हो गया है, पर मैं नहीं चाहती कि हम लोग ऐसी की लड़ाइयाँ फंसे और राजा सुबह से चले जाएंगे और मोहल्ले में अगर ऐसे लोग रहते हैं तो हम लाइक नॉट safe because he was drunk. समझ में आता है ना कि so I was like not feeling safe यहाँ पे अभी। और आज हम सुबह से निकल जाएंगे परसों से, और इनके जो काम बताए हैं मैं राजा से कह रही थी राजा तुम फिल्टर शिफ्ट मत करो अभी, तुम ना बिस्लरी आती है होल्ड करवा लो जितना काम अभी इसमें आते हैं। क्योंकि मेरे को बहुत अलग सा ना अजीब सा अंदर से घबराहट हो रही है क्योंकि बच्चे हैं यहाँ में ज़्यादा, तो मुझे ज़्यादा घबराहट। पहले मेरे को नहीं होती थी, पहले मैं डरती नहीं थी ऐसे, अब मुझे इतना डर लगता है ना। अरे वो गाड़ी रुक जाएगी, बचा है जगह ही नहीं। अरे दिमाग खराब हो गया यार, मैं क्या बार बार गाड़ी ही नहीं, तो मैंने गाड़ी तो निकला है। मैंने कर दिया है और बस चावल हो जाए, फिर उन्होंने निकल रहे हैं यहाँ से और थोड़े कपड़े बच्चों के जो है वो देख के ला रही हूँ मैं और घर जा रही हूँ। और मैं राजा को भी बोल रही हूँ कि रुक जाओ, फिल्टर सोफा मंगवा रही हूँ, फिल्टर लगाना कर रही हूँ, बोल रही हूँ कि फिल्टर लगेगा क्योंकि यहाँ पर फिल्टर अगर लगेगा उसमें पीने करोगे तो 4-5 हज़ार रुपये लग जाएंगे। और अभी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है यहाँ का, मेरे को कम से कम 5-7 दिन देखना पड़ेगा कि यहाँ पे लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं चीज़ों को लेकर। क्योंकि आज सुबह लड़ाई हुई, हम लोग सो रहे थे, हम लोग कल 5-6 बजे सोए हैं, वही जितनी रसोई जमाएंगी फिर रसोई तो मेन टाइम जमा दी, तो आई भी पूरी प्रॉपर जमी नहीं है। तो मैं राजा से कह रही हूँ कि थोड़ा देख लेते हैं इनमें, उसके बाद फिर ब्रोकर से बात करके दूसरा अगर वो मतलब मुझे इंडिपेंडेंट कुछ ऐसा ही चाहिए, मुझे ड्यूप्लेक्स भी चाहिए थोड़ा बड़ा चाहिए या फिर इंडिपेंडेंट, क्योंकि बच्चे यहाँ पे बहुत खुश हैं, अपना बहुत खुश हैं यहाँ पे आके। ये वाला इशू मेरे को बहुत ज़्यादा, पार्किंग का इशू हम लोग को कल ही समझ में आ गया था जब राजा ने गाड़ी डालने की खरीदी और वो हुआ नहीं था, मतलब गई नहीं थी और प्रॉब्लम हुई। तो अभी हम लोग आ गए हैं और कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मैं कैमरा ही लेके गई थी, तो कुछ कपड़े लेके आ गए इनके जितने भी से बचे हुए थे वो कपड़े आ गए, बचे हुए कपड़े इतने ज़्यादा गंदे होते हैं ना। तो मैं खाना लगा रही हूँ, भूख लग रही, मैं खाना इससे रेडी करके गई थी कि एटलीस्ट ठीक हो जाएगा खाने वाले, बैगन ही मैंने कर दिए थे। प्याज काट रही हूँ क्योंकि सैलेड में हमारे पास कुछ नहीं है फिलहाल, तो चाट मसाला थोड़ा सा इन बैंगन पर डाल दें। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी इन लोग का ब्रेकफास्ट चाय वगैरह बनाएंगे मैंने, और रसोई साफ कर रही थी, आज नेट वाले आए हैं और यहाँ पे कुछ प्लम्बर का काम भी था, जेट वेट का भी आए हैं, तो आज हो रहे हैं सारे काम खत्म। और सोफी वाले को आना था बट आज मंगलवार है तो दुकान बंद रहती मंगलवार को, उन लोगों को याद मेरा कल वो फ्री नहीं थे, मतलब मैं रसोई साफ करी उसके बाद मैं घर अरेंज करना शुरू करूँगी। हाँ बेबी
तो आज सुबह मैंने व्लॉग थोड़ा बहुत किया था, और उसके बाद मैंने व्लॉग नहीं किया। घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, स्टिल हम अभी तक सक्सेसफुल नहीं हुए हैं घर जमाने में, क्योंकि हम लोग अभी फ़िलहाल थोड़ा टाइम इन्जॉय कर रहे हैं बच्चों के साथ। और बच्चों ने कल और आज इतना इन्जॉय किया है, डुगू का रूटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो गया है। जिया है अभी, जिया का थोड़ा ऐसा ही रहता है, जिया का सोती उठती है, तो छोटे बच्चे थोड़ा ज़्यादा उठते हैं बीच में, तो सो गई थी फिर ये उठ गई। तो मेरा आज का दिन जो था वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सारे नेटवर्क का काम करना था, उसके लिए गया मैंने ब्लॉग, उसके बाद किया नहीं। लोगों का नाश्ता बनाया, अपनी चाय बनाई है, और फिर ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया। अभी भी कुछ काम क्या यार, अभी इलेक्ट्रिशियन का काम बचा ना पूरा, इलेक्ट्रिशियन का वो वाला मशीन जोड़नी है वो, और मैं कंघी नहीं कर पाई हूँ अपने बालों में। दो तीन दिन हो गए मैं सिर्फ कंघी लेके बैठती हूँ, और अभी बालों की हालत बहुत ज़्यादा बुरी, इवन मेरी हालत भी काफ़ी बुरी हुई है, शिफ्टिंग में हो जाता है। तो घर यार कैसा भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाइब, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज ये वेल फर्निश्ड वेल आज के ज़माने का नहीं है, और हम लोगों ने आ रहा घर जो था वो भी ज़माने का नहीं था आज के, बट वो बनवाया था हमने क्योंकि वो अपना खुद का घर है। और बहुत सारे लोग बोल रहे बेवकूफ़ी होती है अपना घर छोड़ना, क्यों छोड़ा, और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं जो मैं आपको पता नेक्स्ट या हो सकता है बीच में आने वाली वीडियो में बताऊँ, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा व्लॉग लंबा हो जाएगा या क्या हो जाएगा। तो रीज़न जो है वो यही है कि यार थी चीज़ें कुछ, और बस शिफ्ट करना था मुझे, और मैंने एट लास्ट हम लोगों ने डिसाइड किया, और ये वाला घर ना होगा आज के ज़माने का कुछ नहीं होगा, बट जो मेंटल पीस है ना इस घर में वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। बच्चों के लिए स्पेस बहुत है, और आज के फ्लैट वगैरह भी बहुत मिल जाते हैं, पर फिर वही इशू रहता है यार कि फ़्लैट्स में कहाँ जाएंगे बच्चे फिर खेलने के लिए, ये करने और सोसाइटी और ये वो, तो वो भी नहीं ऐसे अभी उन लोगों को मिला था। पर हम लोगों को अर्जेंट में ही शिफ्ट करना था, हम लोगों के पास ये था, हम लोगों को दिवाली तक था कि दिवाली के बाद शिफ्ट करेंगे। सब कुछ सही है, फैला हुआ है, इन्जॉय कर रहे हैं, काफ़ी पीस है, मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे सीरियसली बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक आपको आज के ब्लॉग से ही पता चला होगा कि हम लोग कितने वो हैं, हम लोग अपनी ना 10 चीज़ें एक आफ्टर बीइंग पेरेंट्स माँ बाप बनने के बाद आप बहुत सारी चीज़ें छोड़ सकते हो बच्चों की खुशी के लिए, और हमारे पास वो लग्जरी नहीं है, छोड़ क्या सकते हैं, छोड़ दिया आप देखिए ना, वो घर, वो बेड, हर चीज़ छोड़ दिया, वो हर चीज़ जो थी वहाँ से रिलेटेड। मेरे बच्चे खुश हैं तो हम लोग खुश हैं, और घर पे चाहे कैसा भी हो अगर आप में ना इंटरनल इनर पीस है ना, तो आप एक ये कहने की बात नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं कहने की बात है और ये क्योंकि इससे तो ऐसा घर मिल गया है ऐसे, इसलिए कहने की बात नहीं है। आज सुबह से हम लोग कल से जो एक रिलैक्सिंग माइंड आपको रिलैक्स रहता है ना वो फील करो, आप 1 BHK में रहो, एक हॉल में रहो, वहीं पर किचन डाल के रहो, पर अगर आप खुश हो ना उसमें तो वो बहुत मायने रखता है आज की डेट में, क्योंकि आजकल की लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि इंसान को बहुत सी चीज़ें होती है, बस ये है। तो मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया तो मुझे लगा ब्लॉग एंड कर देते हैं। मैं आप लोगों से मिलती है नेक्स्ट वीडियो। हमारा पहला दिन बहुत 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 अच्छा रहा, पहली रात मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी थी, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए।